नमस्कार दोस्तों, कैन वी स्टार्ट? शुक्ला जी को इधर इधर आ जाइए। नमस्कार दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आज आस्था और विश्वास का सम्मान किया है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हुई और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया आज के राम मंदिर निर्माण और अयोध्या के निर्णय को लेकर। मैं उस प्रस्ताव को कि हिंदी और अंग्रेजी प्रतिलिपि आपको पढ़कर पहले सुनाऊंगा। कांग्रेस कार्य समिति का बयान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करती है। हम सभी संबंधित पक्षों व सभी समुदायों से निवेदन करते हैं कि भारत के संविधान में स्थापित सर्वधर्म संभाव तथा भाईचारे के उच्च मूल्यों को निभाते हुए अमन चैन का वातावरण बनाए रखें। हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि हम सब देश की सदियों पुरानी परस्पर सम्मान और एकता की संस्कृति व परंपरा को जीवंत रखें। वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश, द स्टेटमेंट ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिस्पेक्ट्स द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द अयोध्या केस। वी अपील टू ऑल द पार्टीज कंसर्न एंड टू ऑल कम्युनिटीज टू अबाइड बाय द सेक्युलर वैल्यूज and the spirit of fraternity enshrined in our constitution and to maintain peace and harmony. It is the responsibility of each one of us to reaffirm our tradition of mutual respect and unity among all that has defined our society through the ages. Any question, you're welcome to ask. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है। स्वाभाविक तौर से आपके सवाल का जवाब हां में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की पक्षधर है। एनी अदर क्वेश्चंस? वर्षों बाद माननीय उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले का पटाक्षेप आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कर दिया। मुझे लगता है ये मामला किसी व्यक्ति विशेष समूह या दल को श्रेय देने का है ही नहीं। जैसा मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आस्था और विश्वास का सम्मान किया है। सर्वोच्च अदालत के आज के फैसले से राम मंदिर के निर्माण के द्वार तो खुल ही गए जैसा आपने कहा, लेकिन इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों के सत्ता के भोग के लिए देश की आस्था के साथ राजनीति करने के द्वार भी हमेशा के लिए बंद हो गए, क्योंकि राम वचन की मर्यादा के लिए त्याग का प्रतीक हैं, सत्ता के भोग का नहीं। कैन आई जस्ट टेक द क्वेश्चन एंड देन आई विल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि राम मंदिर पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उससे वो पूरी तरीके से सहमत नहीं है, क्योंकि सारी की सारी जमीन उनको दे देगी राम मंदिर समिति को। Yes. How does the Congress view this?
I was hearing the press conference by them, and they have also said that they deeply respect the judgment of the Supreme Court of India. Of course, everybody has a right to their own legal remedies, and they can always choose to exercise their remedies. But as far as the Indian National Congress goes, we have said what we have to say by way of a specific resolution and taken your specific question. Any other question? The decision of the Supreme Court in the Ayodhya case cannot be a matter of credit or discredit to any individual, group of people, communities, or political parties. Lord Ram, Bhagwan Ram, to वचन की मर्यादा के लिए त्याग का प्रतीक हैं, सत्ता के भोग का नहीं। राम सदाचार हैं, राम सर्वधर्म संभाव हैं, राम त्याग हैं, राम करुणा हैं, राम प्रेम हैं, राम भाईचारा हैं। भगवान श्री राम का नाम कभी बांटने के लिए इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, और जो कोई ऐसा करने का दुस्साहस करेगा वो भगवान श्री राम की परंपरा को समझता नहीं। आई जस्ट कम बैक टू यू सर। इसके कई पहलू हो सकते हैं, और जो कानूनविद हैं वो अपने तरीके से चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केवल ये मानना है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, सब पक्षों को, समुदायों को और व्यक्तियों को उसका सम्मान करना चाहिए। और मैं ये याद दिलाऊं कि ये जमीन 1993 में कांग्रेस की सरकार के द्वारा एक्वायर की गई थी। आदरणीय मित्र, जो मुझे लगता है कि बड़े स्पष्ट तौर से मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखा, आस्था और विश्वास का सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान किया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की पक्षधर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कंसिस्टेंट अनक्वेश्चन्ड स्टैंस बड़ा क्लियर रहा है कि जो निर्णय अदालत का आए, और सुप्रीम कोर्ट फाइनल अदालत है, उस निर्णय का सभी पक्ष, सभी समुदाय, सभी दल, सभी व्यक्ति पूर्णतः सम्मान करें और उसे मंजूर करें, उसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। धन्यवाद। जैसा मैंने कहा आदरणीय मित्र, भगवान श्री राम तो त्याग हैं, करुणा हैं, प्रेम हैं, सदाचार हैं, सद्भाव हैं, सर्वधर्म संभाव हैं। व्यक्ति और दल भगवान श्री राम का इस्तेमाल राजनीति के लिए समय समय पर करते आए हैं, पर आज के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने जो दल या समूह या राजनीतिक पार्टियां भगवान श्री राम का इस्तेमाल सत्ता के भोग के लिए करना चाहते थे, देश की आस्था से राजनीति करने के लिए, उनके द्वार इस निर्णय ने सदैव के लिए बंद कर दिए हैं। शुक्रिया।
will release to you both the resolutions. Sir, Congress ka koi jayega tar se wapas?